नमस्कार बच्चों, बच्चों उम्मीद है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, अभी पिछले अध्यायों में हमने गांव के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको ये भी पता है कि गांव के आसपास कुछ शहर भी होते हैं। अब शहर में क्या होता है? शहर में जो सड़कें होती हैं ज़्यादा चौड़ी होती हैं, सड़कों पे ज़्यादा यातायात के साधन चलते हैं, सड़कों में बिजली और पानी की ज़्यादा सुविधा होती है, सड़कों में इसके अतिरिक्त बाग बगीचे ज़्यादा होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, इनकी देखरेख कौन करता है? गांव में तो हमने पढ़ा था कि सरपंच होता है, पंच होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि तहसीलदार होता है, फिर आसपास का जो थाना होता है उसका थानेदार उस गांव में झगड़ों को निपटाता है। लेकिन जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी देखरेख कौन करता है, अर्थात ये जो शहर है इसको कौन संभालता है, शहर को संभालने का जिम्मा किसका होता है? दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि शहर या नगर में इन सब चीज़ों को कौन देखता है, तो आइए, कौन देखता है इन सब चीज़ों को शहर या नगर में, तो उसके लिए हमारा अब नया अध्याय शुरू हो रहा है और वो है नगर प्रशासन, और ये कक्षा 6 का अध्याय 7 है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस अध्याय में हम नगर पालिका, नगर निगम, पार्षद, वार्ड, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, साथ ही जो आयुक्त होता है उसके बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि नगर निगम की आय के साधन क्या होते हैं, नगर निगम या नगर पालिका के जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, और इसको हम एक प्रकार से आपस में जो बातचीत है उसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे या छोटी मोटी कहानियों के माध्यम से इसको जानेंगे। तो बच्चों, जैसे ही आप अध्याय खोलते हैं और आपका जो अध्याय है उसमें आप शुरू में देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनके नाम शंकर है, जहांगीर है, माला है, रेहाना है, वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। अब घरों के आसपास ही वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है कि शहर में जगह कम होती है और जहाँ भी जगह मिलती है बच्चों को वहीं खेलना शुरू कर देते हैं। अब खेलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने स्वस्थ रहना है तो खेलना तो ज़रूरी है। अब जब वो खेल रहे थे और खेल रहे थे क्रिकेट खेल रहे थे, अब उसमें क्या हो रहा था? शंकर बॉल फेंक रहा था और रेहाना बल्लेबाजी कर रही थी। अब वो कुछ रन नहीं बना रही थी और शंकर को विकेट नहीं मिल रही थी, और तभी क्या हुआ, जो शंकर हताश हो रहा था उसने एक ऐसी बॉल फेंकी जिसको रेहाना ने पूरी तरह से बल्ले के साथ उठाकर मारा, और वो गेंद कहाँ लगी जाकर के, जो वहाँ पर ऊपर सड़क पर एक ट्यूबलाइट लगी हुई थी उसमें जाकर के लग गई। अब जब वो गेंद उस ट्यूबलाइट पर लगी तो उसने तो टूटना ही था, वो टूट गई, सारे इकट्ठे हो गए। अब वो सोचने लगे कि ये जो ट्यूबलाइट है ये टूटी है तो सीधी सी बात है इसका जो भुगतान है हमें करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ था, पिछली बार जब वो खेल रहे थे तब भी जो निर्मला मौसी की खिड़की थी वो टूट गई थी और इसलिए उसके पैसे उन्होंने इकट्ठे करके भरे थे। अब जो ट्यूब लाइट थी उनको पता नहीं था कि किसकी है। अब पास में ही माला का घर सबसे नज़दीक था, तो उन्होंने सोचा चलो माला के घर में जा करके पूछते हैं कि इसका पैसा कौन भरेगा।
और जब वे माला के घर में पहुंचते हैं तो माला की माँ उन्हें बताती है कि ये काम तो नगर निगम का होता है, कि ये जो ट्यूबलाइट लगाई है वो नगर निगम के द्वारा लगाई गई है, क्योंकि जो नगर निगम है वो शहर के या नगर के प्रशासन को देखता है। और अचानक उन्हें याद आया कि उनके मोहल्ले में एक ऐसी महिला है जो अभी कुछ दिन पहले नगर निगम से सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड हुई है, और तो कहने लगी तो क्यों ना आओ हम उसके पास जाकर के पूछते हैं कि इसका पैसा कौन देगा। और सारे के सारे बच्चे माला की माँ के साथ उस घर की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पे वो महिला रहती है जो नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। अब उस महिला का नाम है यास्मीन खाला। जब सारे बच्चे वहाँ पे पहुँचे और अपनी बात बताई तो वो हंसने लगी, कहने लगी ये किसी एक व्यक्ति की ट्यूब थोड़ी है कि आपने उसको पैसे देने हैं। बच्चों ये जो ट्यूबलाइट है ये तो नगर निगम की है, और नगर निगम एक व्यक्ति नहीं है, इसमें तो कई लोग शामिल होते हैं। एक प्रकार से नगर निगम पूरे नगर का प्रशासन देखता है। और साथ ही यास्मीन खाला ने ये भी बताया कि ये जो नगर निगम है ये क्या क्या काम करता है, और उसने ये भी बताया कि जो छोटे शहर होते हैं वहाँ नगर निगम नहीं होता, वहाँ पर नगर पालिका होती है, और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पुणे शहर में हैं और पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, और इसलिए यहाँ पर नगर निगम है, और ये जो नगर पालिका है जो छोटे शहरों में होती है, और जो नगर निगम है बड़े शहरों में होते हैं, उनके कई काम होते हैं। और यास्मीन खाला ने वो जो काम थे उनके बारे में बच्चों को बताया कि नगर पालिका या नगर निगम क्या क्या काम करते हैं। आओ बच्चों हम ये जाने कि नगर पालिका या नगर निगम के कौन कौन से कार्य होते हैं जो यास्मीन खाला ने बताए थे। पहला है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, साफ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, सड़कों व बाज़ारों की सफाई करना, अस्पताल खुलाना और बीमारियों को फैलने से रोकना, बाग बगीचों की देखभाल करना, दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। जब यास्मीन खाला ये बता रही थी कि नगर निगम क्या क्या काम करता है, तभी रेहाना ने पूछा कि पार्क कौन बनाता है, इसका फैसला भी क्या आप लेते थे। तो यास्मीन खाला ने उत्तर दिया, नहीं बेटी, मैं तो नगर निगम में लेखा विभाग में थी, मैं तो जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी, और नगर निगम में ये निर्णय मेरे द्वारा नहीं बल्कि कुछ और लोग होते हैं जो ये फैसले लेते हैं कि कहाँ पर पार्क बनना है, कहाँ पर अस्पताल बनना है या कोई अन्य चीज़ बननी है। और ये जो निर्णय है वहाँ पर जो नगर निगम में पार्षद होते हैं ये वो निर्णय लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ बनेगी। बच्चों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पार्षद कौन होता है। बच्चों आपको याद होगा कि जब हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे तो ये हमने देखा था कि गांव को कई वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। उसी प्रकार शहरों में भी क्या होता है, चाहे वो नगर पालिका है चाहे वो नगर निगम है, क्या होता है कि जितना बड़ा शहर है उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, और हर भाग में से एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। पता ही है आपको कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है वो अपने वार्ड में चुनाव करते हैं, और उस चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति चुना जाता है वो पार्षद कहलाता है। एक नगर निगम में या नगर पालिका में जितने भी वार्ड होते हैं उतने ही पार्षद चुने जाते हैं। और
ये निर्णय कि पार्क कौन बनाएगा, अस्पताल कौन बनाएगा, ये एक पार्षद नहीं लेता, ये जितने भी पार्षद होते हैं वो समितियां बना लेते हैं और फिर उस समिति के माध्यम से वो निर्णय लेते हैं कि अगर कहीं पर बस स्टैंड बनाना है या बस स्टैंड आश्रय बनाना है या कहीं पर पार्क की व्यवस्था या अस्पताल की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे के सारे निर्णय ये जो पार्षद समितियां होती हैं वो करती हैं। लेकिन जब एक वार्ड में समस्या आ जाती है तब वहाँ के लोग, उस वार्ड के लोग वहाँ से सीधा अपने पार्षद के पास जाते हैं और जो पार्षद होता है वो किसी ना किसी माध्यम से अगर उस वार्ड में कोई समस्या है तो उसको हल करने का हल ढूंढता है या उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब ये जो पार्षद होते हैं या जो समितियां होती हैं जो निर्णय लेते हैं वो काम अपने आप नहीं करते, उनका काम है सिर्फ निर्णय लेना, जबकि इन निर्णयों को लागू करने का काम आयुक्त और उसके साथ जो कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो ये काम करते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये आयुक्त कौन होता है और बीच में ये सरकारी कर्मचारी कहाँ से आ गए। बच्चों क्या होता है कि जो पार्षद होते हैं वो चुने हुए होते हैं, उनका काम सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ बनानी है या कहीं पर कोई चीज़ को दूर करना है, लेकिन ये जो निर्णय वो लेते हैं उनको लागू करने का काम एक सरकारी अधिकारी के द्वारा लिया जाता है जिसको आयुक्त कहते हैं। वो नगर निगम का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसके साथ साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है जो उसकी सहायता करते हैं। और ये सरकारी जो कर्मचारी होते हैं इनको प्रशासनिक कर्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नगर की प्रशासन व्यवस्था में मदद करते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ये जो नगर निगम है जब इतने काम करता है जो हमने पीछे चर्चा की थी, तब उसको इन कामों के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। तो बच्चों नगर निगम को जो पैसा मिलता है वो विभिन्न तरीकों से मिलता है। अगर हम कहें कि नगर निगम या नगर पालिका की आमदनी के क्या साधन होते हैं, आइए अब हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा किए गए कर या टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 20-30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। आज बच्ची यास्मीन खाला से मिलके बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें जो जानकारी पहले प्राप्त नहीं थी उसकी जानकारी उन्हें अब प्राप्त हो रही है। उन्हें अपने शहर के बारे में पता चल रहा है। तभी शंकर ने यास्मीन खाला से एक सवाल और पूछा कि हमारा शहर तो इतना बड़ा है, अब इतने बड़े शहर को देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो क्या नगर निगम में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं? तो यास्मीन खाला ने उत्तर दिया
क्या उत्तर दिया? तो यास्मीन खाला ने उत्तर दिया कि नगर निगम में कई विभाग होते हैं, जैसे जल विभाग है, सड़क विभाग है, सफाई विभाग है, बाग बगीचा विभाग है और इसी प्रकार अन्य कई विभाग होते हैं। उसने ये भी बताया, मैं सफाई विभाग में काम करती थी और मेरा काम वहाँ पर लेखा जोखा करना था और साथ ही वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनकी तनख्वाह बनाना होता था। जहांगीर ने यास्मीन खाला से पूछा, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि कहीं गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। और इसी कूड़े को लेकर के यास्मीन खाला ने बच्चों को अपने पड़ोस की गंगूबाई की एक कहानी और उसकी जो बहादुरी थी उसके बारे में बताया। और यास्मीन खाला ने अपनी बात को आगे जारी रखा और कहा कि जब हमारे मोहल्ले में गंदगी फैल गई तो हमारे पड़ोस की कुछ महिलाएं इकट्ठा हो गई और मेरे पास आई और ये कहने लगी कि आप तो नगर निगम में काम करती हैं तो इस गंदगी का निपटारा कैसे किया जाएगा, यहाँ से गंदगी को कैसे हटाया जाएगा। यास्मीन खाला ने कहा कि वो अपने नगर निगम के किसी अधिकारी से बात करेगी, लेकिन जो गंगूबाई थी उसने कहा कि नहीं, हमें हमारा जो पार्षद है, अपने वार्ड में से जिस व्यक्ति को हमने चुना है, हम उसके पास जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। फिर क्या हुआ, गंगूबाई ने कुछ लोगों को और कुछ महिलाओं को साथ लिया और पार्षद के घर के आगे जाकर के नारे लगाने लगी कि हमारे मोहल्ले में जो गंदगी है, हमारे पड़ोस में जो गंदगी है, उसको दूर करो, दूर करो, दूर करो, गंदगी दूर करो। इस प्रकार के जब वहाँ पे नारे लगाने लगी तो वो जो पार्षद था घर से बाहर निकला और उनकी बात को उसने सुना। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। बच्चों, आयुक्त हम पहले बता चुके हैं कौन है। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। और उस दिन शाम तक जो गली के या मोहल्ले के बच्चे थे वो इधर उधर घूमते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अर्जी पर दस्तखत या हस्ताक्षर करवाए जाएं। और अगली सुबह जल्दी ही क्या हुआ, जो पार्षद था, जो महिलाएं थी और जो सफाई अभियंता था वो कहाँ पहुँचे, वो आयुक्त के दफ्तर में, कार्यालय में पहुँच गए और वहाँ पर जाकर के अपनी जो शिकायत है वो बताई। तब आयुक्त ने बहाना बनाया, क्या कहा कि हमारे पास तो इतने ट्रक है ही नहीं कि हम ये जो वहाँ का कूड़ा करकट है या जो गंदगी है उसको उठा पाएं। तब गंगूबाई को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि जहाँ अमीरों का मोहल्ला है, जहाँ पर अमीरों का जो पड़ोस है, वहाँ पर तो आप क्या करते हो, गंदगी को उठा लेते हो। हमारा जो मोहल्ला है या जो पड़ोस है वहाँ से आप गंदगी उठाते नहीं, ये तो
एक प्रकार से अन्याय हुआ, ये तो एक प्रकार से पक्षपात हुआ। जो गंगूबाई थी बहुत ही स्पष्ट ढंग से अपनी बात को रख रही थी, और गंगूबाई ने आयुक्त को कह दिया कि एक प्रकार से चेतावनी दे दी कि अगर दो दिन के अंदर हमारे पड़ोस से जो गंदगी है नहीं उठाई गई तो हम एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये कह करके वो वहाँ से चले गए। लेकिन दो दिन तक भी जब कुछ नहीं हुआ तो ये और बड़ी संख्या में सारे लोग इकट्ठा हो गए और फिर अपना विरोध जारी रखा। और उस बड़े विरोध का क्या परिणाम निकला कि अब वहाँ पर नियमित रूप से सफाई हो रही है, अर्थात उस विरोध के चलते हुए उनकी बात मान ली गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर कहीं पर कोई गलत चीज़ है और अगर हम उसका विरोध करें, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो हमारी जो समस्या है वो आसानी से और जल्दी दूर हो सकती है। तो ये कहानी, गंगूबाई की कहानी सुनकर के बच्चों को बड़ा आनंद आया, और अब वो जब जाने लगे तभी रेहाना ने यास्मीन खाला से एक और प्रश्न किया कि हमारे घर में जो दो दो कूड़ेदान हैं, क्या ये भी गंगूबाई का ही सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छंटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो बच्चों, अभी हमने दो कूड़ेदान की बात की है। दो कूड़ेदान, एक वो जिसमें हम ये चीज़ें डालते हैं कि जो जल्दी गल जाएं, और दूसरी वो जो जल्दी ना गलें, जैसे कांच है, प्लास्टिक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कांच और प्लास्टिक का क्या होता है? बच्चों, क्या होता है कि जो कांच और प्लास्टिक है इसका पुनर्चक्रण होता है, यानी इससे जो टूटी हुई प्लास्टिक है, जो कांच है, इससे दोबारा से नया प्लास्टिक, नया कांच और नई प्लास्टिक बनाई जा सकती है। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर पुनर्चक्रण का काम हो रहा है। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चों, आपकी किताब में यहाँ पर 1994 में सूरत में एक प्लेग फैला था, उसकी यहाँ पर एक चर्चा की गई है। आइए जानें कि जो सूरत में 1994 में प्लेग फैला था उसका मुख्य कारण क्या था। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे टिकाने लगाने में बड़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया था कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे बड़े साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो अध्याय है अब समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि नगर पालिका, नगर निगम क्या होते हैं, पार्षद कौन होता है, वार्ड क्या होता है, आयुक्त कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी कौन होते हैं, और साथ ही ये भी देखा कि नगर पालिका या नगर निगम के कार्य क्या हैं और उनको इन कार्यों के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि विरोध के जरिए किस प्रकार हम अपनी बात मनवा सकते हैं
अगर वो विरोध किसी गलत चीज को लेकर के हुआ हो। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो अध्याय है नगर प्रशासन अब समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, लेकिन आपने क्या समझा, क्या जाना, आइए इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न एक, नगर निगम कहाँ स्थापित किए जाते हैं? विकल्प हैं गाँवों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, बड़े शहरों में। नगर निगम बड़े शहरों में होते हैं। प्रश्न दो, शहर में जो व्यक्ति वार्ड में से चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? और विकल्प हैं सरपंच, पार्षद, आयुक्त, प्रशासनिक कर्मचारी। और इसका उत्तर है पार्षद। प्रश्न तीन, यास्मीन खाला सेवानिवृत्त होने से पहले नगर निगम के किस विभाग में काम करती थी? और विकल्प हैं जल विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, सफाई विभाग, लेखा विभाग। बिल्कुल सही, लेखा विभाग में काम करती थी। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। नगर पालिका और नगर निगम में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, नगर पालिका छोटे शहरों में होती है जबकि नगर निगम बड़े शहरों में होते हैं। प्रश्न दो, पार्षद और आयुक्त के बीच में क्या दो मुख्य अंतर होते हैं? उत्तर, पार्षद निर्णय लेते हैं जबकि आयुक्त अपने कर्मचारियों की मदद से उन्हें लागू करते हैं। पार्षद चुना हुआ होता है जबकि आयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब हम एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। नगर निगम या नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाएं। उत्तर, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, साफ पानी की व्यवस्था करना, अस्पताल खुलवाना और बीमारियों से रोकथाम करना, बाग बगीचे लगवाना और उनकी देखभाल करना। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।